नमस्कार दोस्तों, आज हम कटहल की सब्जी बनाने जा रहे हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए सामग्री देख लेते हैं, हमने क्या क्या लगती है इसमें। आधा किलो कटहल, लहसुन और मिर्ची, 3 बारीक कटी हुई प्याज, धनिया पाउडर और गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। गैस ऑन कर देंगे और गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे और इसकी अपनी कढ़ाई रखेंगे और इसको तेल को गर्म होने देंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है, हम इसमें इसको तलेंगे अच्छे से, नहीं तो अगर इसको ऐसे कच्चा बनाएंगे तो इसका जो दूध है ना वो रहता है तो मुँह में आता है चिपक चिपक कर, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है वो वाली सब्जी। ये हम इसको इस तरीके से पलटा पलटा करके इसको अच्छा पका लेंगे लाल होने तक। जब ये लाल हो जाएगी तब इसको निकालेंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। देखिए इस तरीके से पलटा देंगे बराबर से और इसको ऐसे पकने देंगे इसमें। और ये देखिए हमारा लाल हो गया है, निकालने लायक हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल देंगे। हमारी पूरी कटहल पक चुकी है, ये प्लेट में हमने निकाल दिया है। गैस को बंद कर देंगे और बचे हुए तेल को दूसरी प्लेट उसमें कटोरी में रख देंगे। प्याज और मिर्ची को हम इसको ग्राइंड करेंगे, इसका पेस्ट तैयार करेंगे। मसाला पीस करके तैयार हो गया है, अब हम इसे एक बर्तन पे पलट लेंगे। तेल को गर्म होने देंगे थोड़ी देर। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें आपको मसाला डालेंगे। चला देंगे, हमने पीस करके तैयार करा था मसाला वही डालेंगे। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे जो कि 1/3 चम्मच लिया था, इसको बराबर चला देंगे। गैस की फ्लेम को अभी तेज ही रखा है, मंदा नहीं किया है। देखिए इस तरीके से चलाएंगे और हम इसमें अपनी धनिया पाउडर डालेंगे जो कि 2 चम्मच लिया है। ये इसको भी बराबर से चला देंगे। इसमें गरम मसाला डालेंगे जो कि 1 बड़ा चम्मच लिया है। लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे जो कि 1/4 चम्मच लिया था। 2 हरी मिर्च डाली थी इसलिए लाल मिर्ची कम ली है, फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये तेल छोड़ने लगा है, हमारा मसाला अच्छी तरीके से पक गया है। कटहल की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है, आप अगर इस तरीके से एक बार बनाकर जरूर खाइएगा इस तरीके से। अब हम अपने इसमें कटहल डालेंगे जो कि हमने तल करके रखी है, ये और इस तरीके से चला देंगे बराबर से पूरा। हम ग्रेवी वाली बना रहे हैं इसलिए इसमें हम पानी ऐड करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, एक बार ज़रूर इस तरीके से बना के आप खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि हम ग्रेवी वाली बना रहे हैं, इसमें हम 2 गिलास पानी का यूज करे हैं। स्वाद अनुसार 1 चम्मच हमने लिया है, ये देखिए। और इस तरीके से चला देंगे नमक को भी बराबर से मिलाकर, पक्का इसको पकने देंगे। थोड़ी देर तेज रखेंगे ताकि उबाल आ जाए। खोल करके चेक कर लेंगे इसको, ये देखिए अच्छा उबलने लगी है। अब हम इसको गैस को मध्य कर देंगे ताकि धीमी आंच में अच्छे से पक जाए हमारी कटहल। गैस को मध्य करेंगे और ढक करके रख देंगे। थोड़ी थोड़ी देर में इसको हम चेक करते रहेंगे बीच बीच में, इसे दबा कर देख लेंगे। ये देखिए पक गई है हमारी अच्छी तरीके से, इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए
ये हमारी सब्जी पक करके पूरी रेडी हो गई है, तैयार है। अब हम इसे धनिया पत्ती थोड़ा सा डाल देंगे ये, और गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी दिख रही है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये हमारी कटहल की सब्जी बनकर तैयार है।